सामूहिक विवाह करवा रहा है। इसके पहले 4 सामूहिक विवाह में 67 जोड़ों का सामूहिक विवाह सेवा भारती अपने। सेवा भारती समिति अजमेर के तत्वाधान में दिनांक 15 जुलाई सोमवार, तदनुसार आषाढ़ शुक्ल नवमी, जिसको बड़लिया नवमी के नाम से भी समाज में इस मुहूर्त को जाना जाता है, सर्वजातीय सामूहिक विवाह राम जानकी सर्वजातीय सामूहिक विवाह के नाम से सेवा भारती अजमेर के माध्यम से यहां पर किया जा रहा है। सेवा भारती अजमेर यह 5वां सामूहिक विवाह करवा रहा है। इसके पहले 4 सामूहिक विवाह में 67 जोड़ों का सामूहिक विवाह सेवा भारती अपने माध्यम से करवा चुका है। पूरे राजस्थान प्रदेश में 2550 से भी अधिक सेवा भारती सर्वजातीय सामूहिक विवाह के कार्यक्रम करवा चुका है। उसी कड़ी में यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित है। स्थानीय समिति के द्वारा 11 जोड़ों का लक्ष्य लिया गया है कि 11 जोड़ों के हम यहाँ पर परिणय कराएंगे। 5 का कंफर्मेशन हमारे कार्यकर्ताओं को प्राप्त हो चुका है। शेष का भी शीघ्र ही 1-2 दिन में हम कंफर्मेशन करके उनका जो निर्धारित पंजीयन है उसमें प्राप्त कर लेंगे। यदि यह संख्या 11 से भी अधिक होती है तो निश्चित रूप से सेवा भारती उन सभी जोड़ों का परिणय यहाँ पर कराएगी। इस सर्वजातीय सामूहिक विवाह जो है, जो समाज का ऐसा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उनके बच्चों के लिए, उनके बेटियों के लिए, बेटों के लिए आयोजित किया जाता है। क्योंकि धन के अभाव में, संसाधन के अभाव में कई बार जो विवाह के लिए उचित समय होता है वो विवाह हो नहीं पाता है। इस कारण से कई बार ओल्ड एज होने के कारण या विवाह की उम्र निकल जाने के कारण से उन्हें विकृति से ग्रसित रहना होता है और जीवन भर अविवाहित रहने के कारण से उनके जीवन में जो विकृति आती हैं वो हम सब उससे परिचित ही हैं। और एक बड़े हर्ष का विषय है कि अजमेर के संत समाज ने जो प्राय अपने मंदिर में, अपने धाम में रहते हैं, उन्होंने भी सहर्ष इस सेवा भारती के कार्यक्रम में आकर उन सारे जोड़ों को, जो वंचित, शोषित और पीड़ित तबके से तथाकथित रूप से आते हैं, उनको आशीर्वाद देना स्वीकार किया है। उसमें प्रमुख हैं श्री ब्रह्मानंद जी शास्त्री, प्रेम प्रकाश आश्रम, संत पाठक जी महाराज, चित्रकूट धाम, संत श्याम शरण सुंदर देवाचार्य, नरसिंह मंदिर जी और संत दिव्य मुरारी बापू, कन्हड़ा धाम पुष्कर, श्री ज्योतिषानंद जी महाराज, संन्यास आश्रम अजमेर। इन सारे श्रेष्ठ सन्यासियों का भी आशीर्वाद उस दिन वहाँ पर वर वधुओं को मिलने वाला है। ऐसे श्रेष्ठ सन्यासियों के आशीर्वाद के पावन अवसर पर, उनके पावन सानिध्य में ये वर वधु जब अपना वैवाहिक जीवन प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से समाज के लिए आदर्श स्थापित होगा। जो 67 जोड़े कर चुके हैं उनसे भी समिति के कार्यकर्ताओं का निरंतर नियमित संपर्क रहता है और उनके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या उन्हें नई कुछ प्रकार के अनुभव आ रहे हैं, वो भी समिति के कार्यकर्ता बनकर और नए जोड़ों को तैयार कर रहे हैं। इस प्रकार का भी काम समिति के कार्यकर्ता कर रहे हैं। घर गृहस्थी से संबंधित, दैनिक उपयोग से संबंधित आवश्यकताएं हैं, एक वो कैटेगरी हो गई। एक वर वधु को उस दिन श्रृंगार की दृष्टि से जो कपड़े और जो कुछ आवश्यकता रहती है आभूषणों की, वो एक कैटेगरी हो गई। इसी प्रकार और भी कुछ समाज के भामाशाह हैं जो दानदाता हैं, वो भी अपनी ओर से देते हैं। सेवा भारती समिति अपनी ओर से 26 इस प्रकार के आइटम उन वर वधुओं को देती है।
इसके अतिरिक्त समाज के भामाशाह स्वेच्छा से सेवा भारती को अपनी ओर से आग्रह करते हैं कि मैं इस समारोह इस विवाह में यह देना चाहता हूं। इस प्रकार से कोई 40 से 50 आइटम जो उनके दैनिक उपयोग में काम आए, जो उनको उस विवाह के अवसर पर काम आए, इस प्रकार की एक अलग से भी सूची बनी हुई है। इस प्रेस वार्ता के बाद यहाँ के कार्यकर्ता आपको उपलब्ध करा देंगे, तो आपके माध्यम से भी अगर ऐसे कोई जोड़े तैयार होते हैं उनको भी हम वो सूची दे सकते हैं, जिसके कारण से उस जोड़े को लगे कि मैं अपने खर्चे से तो बची रहा हूँ लेकिन समाज के सहयोग से भी मुझे इतना कुछ मिलने वाला है और वो अपना परिणय अपना ये पाणिग्रह संस्कार इस अवसर पर करा सके। इस प्रकार का भी आप सब मीडिया बंधुओं से मेरा निवेदन है। इसके निमित्त कार्यालय का यहाँ पर अपना उद्घाटन हो चुका है। रैम्बल रोड पे जो शिव मंदिर है उसका प्रांगण में यह कार्यक्रम कार्यालय है। हिल व्यू स्कूल के पास कृष्णगंज ये इस कार्यालय का समय है। रोज सायंकाल 5 बजे से 7 बजे तक वहाँ पर मदन लाल जी खंडेलवाल उस कार्यालय के प्रमुख है, उनसे भी संपर्क करके पत्रक आपको दिए जाएंगे। यह पत्रक भी आप उन लोगों को दे सकते हैं जो इस सामूहिक विवाह में अपने को पंजीयन जिनका कराना चाहते हैं।